भारतीय जनता पार्टी ने लोहरदगा जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच कराने की मांग की है। लोहरदगा भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची की जांच कराने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करने की मांग की है। पूर्व मंत्री सदनु भगत, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओम प्रकाश सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष मनीर उरांव के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त डॉ. बागमारे प्रसाद कृष्ण से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपकर नया राशन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में सावधानी बरतने और बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच करने की मांग की है। पूर्व मंत्री सदनु भगत ने कहा कि लोहरदगा में शरणार्थी के रूप में जनसंख्या बढ़ रही है, जो आने वाले समय में घातक साबित हो सकता है। इसी को लेकर उपायुक्त से मिल पूरे मामले पर जांच कराने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी के एक डेलीगेशन लोहरदगा उपायुक्त से मिली और ज्ञापन सौंपी है। उस ज्ञापन के माध्यम से विशेष रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया गया है कि लोहरदगा विदेशियों का एक बहुत बड़ा स्वर्णस्थली बनता चला जा रहा है, जो बहुत संवेदनशील परिस्थिति के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना है। यहाँ बरेआम खुले रूप से देखा जा रहा है, चाहे तो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण इलाका हो, सुदूर क्षेत्र हो, प्रतिदिन रोजाना सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी लोग बहुत तरह तरह का विभिन्न तरह का सामान लेकर के गाँव घर में बेचने के लिए सबेरे सबेरे घूम रहा है। और सारा ये बाहरी लोग हैं, इनके साथ एक योजना है, जो बहुत से ऐसे लोग हैं लोहरदगा में जो लोग इन लोग को शरण दे रहा है और ये शरणस्थली बनते जा रहा है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि आने वाला दिन लोहरदगा एक गंभीर परिस्थिति और शांति भंग होने की पूरी संभावना है। आज सरकार के द्वारा वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का काम चल रहा है। हमें ऐसा शक है कि वोटर लिस्ट में इनका नाम चढ़ेगा, इनके नाम से आधार कार्ड बनेगा, इनके नाम से राशन कार्ड बनेगा। और फिर इतना ही नहीं, ये लोग यहाँ पर ज़मीन भी खरीद रहे हैं और मकान भी बना रहे हैं इलीगल ढंग से। वैसे ज़मीन को लीगलाइज करने के लिए सरकार के तरफ से ही एक योजना है कि वैसे लोगों को जल्द से जल्द इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए उनके मकान को। इस तरह से सरकारी सुविधा दे करके लीगलाइज उनको इनका यहाँ का बाशिंदा घोषित किया जाएगा। ये आने वाला दिन लोहरदगा के लिए केवल नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जो आने वाला दिन गंभीर परिस्थिति खड़ा हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने उपायुक्त को ध्यान आकर्षित किया है कि समय रहते आप अपने टेक्निक अपनाएं और रोकथाम का उपाय करें। ऐसे भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में बहुत गंभीर है। आज उपायुक्त से मिल करके हम मांग रहे हैं कि लोहरदगा जिला में बांग्लादेश से यहाँ के बसने हैं, बसने के बाद यहाँ से राशन कार्ड बनवा रहे हैं, मतदाता सूची में नाम उस पर दर्ज करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका जो आदिवासी जो ज़मीन है उसमें भी कब्जा कर रहे और घर बना रहा है, उसमें अवैध रूप से बिजली कनेक्शन ले रहे हैं, साथ ही जीएम जो लैंड है उसमें भी कब्जा कर। इसी निमित्त हम लोग को ज्ञापन सौंपे हैं और आग्रह किया है कि कार्रवाई करें। न्यूज़ विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट।